सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम्बी। सो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आईबीपीएस एएफओ का रिजल्ट आ चुका है। सो अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। आज हमारे साथ है एक सक्सेस स्टूडेंट जिनका नाम बाबूकांत है। बाबूकांत ने ये अपना एग्जाम क्लियर किया है और जो अच्छी बात है कि उनका एमएससी के साथ साथ उन्होंने ये एग्जाम अपना क्लियर किया है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही और कैसे उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बाबूकांत आपको। थैंक यू सर। सो कैसा फील कर रहे हैं अभी? हाँ, नॉर्मली। कल ज्यादा खुशी थी और आज धीरे धीरे अब सिंकिंग हो गई है सारी खुशी, अब नॉर्मल लग रहा है। अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए स्टूडेंट्स को। सर, तो सर ने कह ही दिया कि मेरा नाम बाबूकांत है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है और मेरी पीजी की पढ़ाई अभी प्लांट फिजियोलॉजी से चल रही है, वो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और रहने वाला मैं रांची शहर का हूँ, रांची जहाँ से धोनी आते हैं। अच्छा, धोनी थोड़ा उत्तराखंड से भी आते हैं तो थोड़ा सा ही है, धोनी हमारे ही है। अच्छा, मैं उत्तराखंड का तो थोड़ा सा क्रेडिट मैं भी ले रहा था। चलिए, तो कैसी रही आपकी प्रिपरेशन की जर्नी? थोड़ा सा उस पे फोकस करेंगे कि आपने कैसे प्रिपेयर किया प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए एंड देन इंटरव्यू के लिए। प्रिपरेशन को लेकर के मेरी जर्नी इस साल काफी स्मूथ ही रही है। मतलब इससे पहले मैंने पिछले साल भी एग्जाम दिया था, इंटरव्यू तक गया था, उधर मेरे मेंस के मार्क्स कम थे। तो पिछले साल की गलती से सीखते हुए मैंने जो प्रिपरेशन की अपने दोस्तों के साथ, तो हमने प्रिपरेशन मेंस की शुरुआत की थी, मई महीने से हमने शुरुआत की और करना थोड़ा पहले चाहिए था। मई महीने से हमने शुरुआत की, मई में हम ऑलमोस्ट दिन का 80% भाग, मतलब पढ़ाई की जो 80% भाग है वो हम मेंस की ओर कंसंट्रेट करके रखते थे और घंटे भर, डेढ़ घंटे, ये भी नहीं कहूंगा कि रोज, हफ्ते में 3-4 दिन प्री के लिए पढ़ते रहते थे। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे प्री नजदीक आते गया, प्री वाला हिस्सा हम बढ़ाते गए, मेंस वाला हिस्सा कम करते गए। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नोटिफिकेशन आने से पहले तक हमने मेजर सब्जेक्ट सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, इन सबको दो दो बार तो ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया था। बीच में एक बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ गया था तो एक रियलिटी चेक भी मिल गया था। वो काफी अच्छा रहा। तो अच्छा, ग्रुप स्टडी और सेल्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा फोकस रहा था आपका स्टार्टिंग से? हाँ, जनरली मैं ग्रुप स्टडी से करते थे हम। जब मैं घर पे था तो इनिशियली तो कॉलेज तो बंद थे तो अपन घर पे रहते थे, तो ये काम हम वीडियो कॉल्स पे करते थे और फिर जब हॉस्टल आ गए तो हॉस्टल में करते थे। लेकिन ग्रुप स्टडीज छोटे, उसको ग्रुप नहीं कहेंगे, दो ही लोग थे तो ग्रुप स्टडीज इसको कहना ठीक नहीं होगा। हॉस्टल का एक अलग डेकोरम होता है और एक मतलब अलग एनवायरनमेंट होता है ना, तो वो बहुत अच्छा रहता है और वो भी मतलब एक कॉन्फिडेंस भी आता है वहाँ पे साथ में पढ़ते हुए रियली। और बाकी फिर मेंस के लिए आपने वैसे प्रिपेयर किया, इंटरव्यू के लिए? मेंस का पेपर देने के बाद हमें ये समझ में तो आ गया था कि कमोवेश 30 नंबर ऑलमोस्ट हर बच्चा स्कोर कर सकता है, 28 से 30 नंबर, और हमने स्कोर किए थे। मतलब बाकी जो पेंसिल सीट्स मिलाने के बाद हमने स्कोर किए थे 37-38, मिलाने के बाद ये लग रहा था कि 37-38 नंबर आएंगे। तो ये बात तो हम समझ चुके थे कि इंटरव्यू का महत्व इस साल पिछले बार से ज्यादा होने वाला है, 6,000 बच्चे भी बुलाए गए बाद में, ये भी समझ में आया। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमने काफी अलग अलग तरीकों से की, कोचिंग्स का सहारा लिया, जैसे आपकी कोचिंग का मैंने सहारा लिया, हम आपस में मॉक इंटरव्यू करते थे, क्वेश्चनार वगैरह हमने बनाए, जितने पॉसिबल क्वेश्चनार क्वेश्चन बनाए जा सकते थे। और इवेंचुअली हुआ भी ये भी कि जितने क्वेश्चन हमने किए थे और असली इंटरव्यू में हमारे घर में बनाए हुए क्वेश्चनों में से 4-5 क्वेश्चन आए। अच्छा। जैसे कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर लैंडिंग हो गई, उन्होंने पूछा था कि एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योर की जरूरत है, आप करोगे कि नहीं करोगे, आप एंटरप्रेन्योर बनोगे कि नहीं बनोगे, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे घर पे ही बनाए हुए थे और वो सीधे एग्जाम में आ गए इंटरव्यू में। ये तो रहता है, एग्रीकल्चर को ही हमें बेसिकली समझना है और उनको ये भी समझना होता है कि बैंक में जा रहे हैं कि फाइनेंशियल हेल्प कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को करेंगे। तो कैसा लगता है, कैसी जर्नी रही इस एग्जाम के लिए? इंटरेस्टिंग थी या फिर बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना है? क्या स्टूडेंट्स को आगे सजेस्ट करना चाहेंगे? सही स्ट्रैटेजी, बहुत ज्यादा हार्डवर्क की भी जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस स्टडी, रिगरस स्टडी। बंदे अगर खुद से सेल्फ स्टडी करें, खुद से अपने नोट्स बनाएं, खुद से रिसर्च करें कि मतलब एक एक चीजों को अलग अलग जगहों से पढ़ने की कोशिश करें, कंटिन्यूटी बनाए रखें, इंतजार ना करें कि अब नोटिफिकेशन आएगा तो आप पढ़ाई शुरू करेंगे या
किसी का कमजोर है, जैसे मेरा मैथ्स थोड़ा कमजोर है, तो हमने मैथ्स पे इनिशियली शुरू से ही ध्यान देना शुरू किया, तो हमने किसी चीज को बर्डन नहीं बनने दिया। तो मुझे भी ये चीज सिंपल है, क्लियर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक बंदे के पास एग्जाम शुरू करने से पहले कि वो किस दिशा में जाना चाहता है। तो भी आप आगे के लिए क्या सोचते हैं? आगे के लिए मेरे ख्याल में अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं 26 का हूँ, तो अभी 2-3 साल तो मैं और पढ़ सकता हूँ, मतलब नौकरी करते हुए 27-28-29 तक बंदे पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं फर्दर किसी और एग्जाम की तैयारी, नबार्ड की तैयारी, या बैंक में वो JAIB होता है उसकी तैयारी, नौकरी करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि इन सब की तरफ बढ़ूं, मतलब ये आखिरी स्पॉट नहीं होना चाहिए मेरे करियर का। ये तो है। और जो एक आपका व्यक्तित्व तो है ना, मुझे आपके व्यक्तित्व से वो याद आता है, द लल्लन टॉप में जो है ना सौरभ द्विवेदी, वो भी यूपी से है, और जो उनका बोलने का तरीका है, मतलब वो पत्रकारिता में भी जो क्लियरनेस है वही आपकी बातों में भी लगती है। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आपकी चीजें निकलती हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के को स्पेसिफिकली जो IBPS AFO को ही टारगेट करते हैं, और कभी कभी कई बार स्टूडेंट्स ऐसे निराश हो जाते हैं कि मतलब जैसे एक बार नहीं हुआ, तो जैसे आपने बताया कि लास्ट ईयर भी आपके आपके मेंस में थोड़ा सा कम मार्क्स थे, तो उन उन स्टूडेंट्स को कैसे आप मोटिवेट करना चाहेंगे या क्या उनको कहना चाहेंगे? जिन लोगों का नहीं हुआ है मेंस तक पहुंचे हैं, तो उनको ये मान के चलना चाहिए कि वो उस लीग में है, मतलब वो गेम से बाहर नहीं है, वो अगले साल भी आ सकते हैं गेम में। रही बात स्ट्रेटजी को लेकर के, मैंने कहा कि क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंसान के पास अपनी, क्लियर स्ट्रेटजी उसको बनाने में उसको जितनी हो सके इनिशियली मदद लेनी चाहिए, जितनी बढ़िया स्ट्रेटजी वो बना सके, कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो करते रहना जरूरी है। फॉलो करने वाला पार्ट मुश्किल है कंसिस्टेंसी के साथ, लेकिन फिर वही जरूरत पड़ती है आपको दोस्तों की, ग्रुप स्टडीज की, जहाँ हर बंदा दूसरे बंदे को पुश कर रहा हो बढ़िया करने के लिए। तो आई थिंक ये स्टूडेंट्स जरूर फॉलो करेंगे। एंड वैसे भी बेसिकली मोटिवेशन तो वो है ना, अरुण कात्यायन की बुक है जो उसमें स्टार्टिंग में लिखा रहता है, अत्तो दीपो भवति। तो अपनी लाइट, अपना मोटिवेशन हमें खुद ही बनना है, ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बाबूकांत। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग फ्यूचर, बैंक में भी और बैंक के आगे भी। आपको कोई भी इशू होता है तो आप जरूर बताइएगा, कभी भी हेल्प आपको चाहिए होगी तो। सो फ्रॉम द IXMB वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए स्टूडेंट्स के साथ भी। डेफिनेटली आगे आने वाले स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा।